फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज वीडियो आम किसी इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन करवा सो ता पूर्व वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दिंतु आ चैनल को जदि नुआ छंती तले बे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। आ फ्रेंड्स देखो ये पीडीएफ फाइल टा चाहूले आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे। टेलीग्राम चैनल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देती। सो देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कौन दला फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आप 51। फ्रेंड्स देखो ये पेपर टा आप 5 नवंबर 2020 बीड साइंस पिला फास्ट मैंने बैच वन पिला पड़ा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। सो 51 कौन दला 51 आपन को दला द एलिमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटार ओपनिंग आउ क्लोजिंग रे केउ इम्पोर्टेंट एलिमेंटा सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए दे फास्फोरस, बी रे दे पोटासियम, सी रे दे मैग्नीशियम, डी रे दे बोरन। किए आपर ओपनिंग आउ क्लोजिंग रे सहायक होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी। सो मन रखिए पोटासियम आपर हेल्प करता है ओपनिंग आउ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटार ओपन आउ क्लोज रे आपर पोटासियमटा सहायक होता है। सो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। देन 52 नंबर को आसवा आपको देला 52 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल यूजुअली लैक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माने आपन को पचार छी केउ सेल ले माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए नहीं। ह्यूमन नर्व सेल ना आपनकर मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट ना आपनकर ह्यूमन लिवर सेल ना आपन दे छी फ्लॉग आपनकर फ्रॉग लिवर हेपाटोसाइट। सो आ भितर काहांको पाखरे आपनकर कोन देखा जाए नहीं ना माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए नहीं लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो मन रखिए मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट रे आपनकर ए सेल ले माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी हे जो माइटोकॉन्ड्रिया को मन रखिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाए। कौन कहा जाए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाए मन रखिए इंपोर्टेंट अच्छी। सो राइट आंसर हो मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन का आसन 53 आपको देला आज पर दि बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। व्हीट रो साइंटिफिक नेम आपको पचार बायनोमियल नोमेनक्लेचर अनुजाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको रही है साइंटिफिक नेम। सो देखो किसी इंपोर्टेंट साइंटिफिक नेम आम गोटे स्पेशल वीडियो डिस्कशन करवा जारे कि टोटल डिटेल्स आम कवरेज करवा कहार साइंटिफिक नेम कौन रोच। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको देला कार्निस फैमिलारिस देन आपला ट्रिक्टिकम आपको देला आस्टिभम देन आपको देला मुसाका डोमेस्टिका देन आपको देला ओसियम सैंटम। सो कहार होटा होगा ह्विट्र साइंटिफिक नेम। सो राइट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी आप ट्रिक्टिकम एस्टिभम हो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्विट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए ट्रिक्टिकम एस्टिभम। देन नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देला 54 एनिमल ईट अदर हर्बिवरस कम्स अंडर कैटेगरी। एनिमल जो खाऊ एनिमल माने खाऊ जो हर्बिवरस रे से क्यों कैटेगरी अंतर्भुक्त प्रोड्यूसर ना प्राइमरी कंज्यूमर ना सेकेंडरी कंज्यूमर ना टर्सियरी कंज्यूमर। सो आपको कही एनिमल खाऊ मैंने आपंकर हर्बिवरस जो मैंने रे एनिमल खाऊ हर्बिवरस जो मैंने रे से क्यों कैटेगरी हर्बिवरस मैंने क्यों कैटेगरी। सो आप राइट आंसर देखते हम सेकेंडरी कंज्यूमर सी कौन हे से होती सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ऑप्शन नंबर आप सी हो सेकेंडरी कंज्यूमर हो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन नंबर 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इनसिटू अप्रोच ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। सो आपको कहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इनसिटू अप्रोच ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। सो आ भितर क्योंटी इनसिटू कंजर्वेशन रो गोटे एग्जांपल बायोडायवर्सिटी जो रहा कंजर्वेशन जो इनसिटू कंजर्वेशन आम जनरली कहपर इनसिटू कंजर्वेशन गोटे अच्छी इनसिटू गोटे अच्छी एक्सिटू। सो इनसिटू कंजर्वेशन आ भितर क्योंटी गोटे एग्जांपल देला आपको हर्बारियम देन आपन देला सैक्रेड लेक्स देन आपन देला बॉटनिकल गार्डन्स देन देला फील्ड जीन बैंक। सो आ राइट आंसर कौन हम इनस्टिट्यूट कंजर्वेशन राइट आंसर कौन हम क्योंटी गोटे एग्जांपल। सो मन रखिए इनस्टिट्यूट कंजर्वेशन गोटे एग्जांपल होची बॉटनिकल गार्डन। सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बॉटनिकल गार्डन होची गोटे आपर कौन ना इनस्टिट्यूट कंजर्वेशन अंतर्भुक्त। सो राइट आंसर हो सी ऑप्शन बॉटनिकल गार्डन। देन नेक्स्ट 56 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट। सो आपन को कहि जे केउटी होची व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट। सो प्लांट माने रिक्वायर्ड करथुवा माने एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट माने आ भितर केउटी। सो आपन ऑप्शन ए रे देला लेस देन 10 एम मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ना आपन को देला
10-20 mmol पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ना 25-40 ना आपणकर मोर देन 45 mmol पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। सो आर राइट आंसर कौन हम सो देखो आर राइट आंसर हम आप लेस देन 10 mmol पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। सो राइट आंसर हो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। देन नेक्स्ट आपला क्वेश्चन नंबर 57 द नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर ऑफ C3 प्लांट। सो आपन कहला सो नंबर ऑफ कार्बन केते रहइबो केउथरे ना प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर ऑफ C3 प्लांट गोटे C3 प्लांट रो प्राइमरी जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर रहला सो ताधरे आपन नंबर ऑफ कार्बन केतरा रहइबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। सो नंबर ऑफ कार्बन देखंथु केतरा रहइबो सो आपनर 5टा रहइबो केतरा रहइबो 5टा कार्बन रहइबो। सो ऑप्शन नंबर आपनर सी हेजबो 5टा कार्बन रहइबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहछंथु सो आज पर दि फ्लुइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ आपणकर देला फॉस्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल व्हिच ऑफ दि फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द हेड एंड टेल पोर्शन ऑफ आपणकर फॉस्फोलिपिड रेस्पेक्टिवली। सो आपणकर देला सो आज पर फ्लुइड मोजाइक मॉडल सो फ्लुइड मोजाइक मॉडल को आम जब देखा सो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा क्या क्या नहीं कंपोज होता है ना आपर फॉस्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट आउ प्रोटीन आउ कोलेस्ट्रॉल को लेकिन गठित होता है। सो पचार व्हिच ऑफ दि फॉलोइंग ऑप्शन मैंने आभर केपसनटा करेक्ट फॉर हेड एंड टेल पोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड रो हेड आउ टेल पोर्शन को देखा आ भितर केउटी करेक्ट पोलार आउ नॉन पोलार देची माने हेडटा पोलार तापर टेलटा नॉन पोलार देन आपन को देची नॉन पोलार पोलार देन आपन देची दीटा को पोलार ना आपन गोटा नॉन पोल ना दीटा को नॉन पोलार। सो केउटी हेजबो राइट आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि मन रखिबे हेडटा सब बेले हबो पोलार आउटे हबो आपन टेलटा हबो नॉन पोलार इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि हेडटा हबो पोलार तापर टेलटा हबो नॉन पोलार। सो ऑप्शन नंबर ए हेजबो राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हला आपन को व्हाट आर द साइट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन व्हाट आर द साइट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स रेस्पेक्टिवली। सो आपन दला व्हाट आर द साइट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक रे आउ प्रोकैरियोटिक रे सो केउटा आउची ट्रांसक्रिप्शन रा साइट। सो आपन को ऑप्शन ए रे दला साइटोस आपन दला साइटोसोल आउ न्यूक्लियस माने आपनकर साइटोसोल यूकैरियोटिक्स रे न्यूक्लियस होची प्रोकैरियोटिक रे देन आपन देची न्यूक्लियस आउ साइटोसोल देन आपन राइबोसोम आउ न्यूक्लियस देन आपन देची साइटोसोल आउ राइबोसोम। सो मन रखिबे सो एटा हिजो आपनर कोन ना यूकैरियोटिक रे होची न्यूक्लियस आउ आपनर प्रोकैरियोटिक रे होची कोन ना आपनर साइटोसोल। सो राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर बी आपनर ट्रांसक्रिप्शन साइट होची न्यूक्लियस होची यूकैरियोटिक रे आउ आपनकर प्रोकैरियोटिक रे होची साइटोसोल। सो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट को आसीबा क्वेश्चन नंबर 60 मैच द फॉलोइंग प्लांट्स इन लिस्ट 2 विथ देयर कॉरेस्पोंडिंग टाइप 1 टाइप इन लिस्ट 1 माने लिस्ट 1 सहित लिस्ट 2 को मिलेबा हमें मैच करबा आपन दे छी टेरिडोफाइटा तापर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बायोफाइटा। सो हम को मैच करियो दे छी सो देखंतु मैच यदि हमें करबा सो आपन को दे छी टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटाटा का अंडर आसो देखो टेरिडोफाइटाटा आपन आसो कौन ना आपंकर फर्न टेरिडोफाइटा किए ना फर्न हो गए टेरिडोफाइटा देन आपर किए रहा देन आसा आप जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म किए ना जिम्नोस्पर्म हो गिनको आपर गिनको जोटा रहा जो आप 3 रहा जिम्नोस्पर्म हो सो आप गिनको। सो ऑप्शन नंबर देखा जदि आपर देखो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर जोटा रहा ए रू आई माने ए रू आई है आप टेरिडोफाइटा हो फर्न देन आपर बी थर्ड आई बी थर्ड आई हेल्ले आप देखो जिम्नोस्पर्म रही गिनको देन आपर एंजियोस्पर्म रही आई भी माने आपर मेज एंजियोस्पर्म हो किए ना मेज देन ब्रायोफाइट आपर किए ना मसेस। सो राइट आंसर हो ऑप्शन। देन नेक्स्ट देखो आप 61 नंबर कौन दे आपको देलाजे देयर इज ए क्लास ऑफ फंजी व्हिच हैज आपको देला एसेप्टिक एंड मल्टी न्यूक्लिएटर माइसेलियम। सो आइडेंटिफाई दि नेम ऑफ दिस क्लास ऑफ फंजी एंड नॉन सिलिएटेड स्पोर्स रेस्पेक्टिवली। सो आमको आइडेंटिफाई करियार अछि सेइ टाइप रो फंजी को जो माने कि कोन ना आपनकर माने सेइ क्लास रो फंजी आउ सेइ क्लास रो नॉन सिलिएटेड स्पोर्स आमको आइडेंटिफाई करियार अछि। सो ऑप्शन नंबर ए रे दिछि आपनको दैछि फाइकोमाइसेट्स देन आपनको दैछि एप्लानोस्पोर्स देन आपनको दैछि देखंतु आपनको दैछि कोन बासिडियोमाइसेट्स देन आपनको दैछि बासिडियम देन आपनको दैछि कोन आस्कोमासाइट्स देन आपनको दैछि कोनिडिया
देन आपको दे फाइकोमाइटिस देन आपको दे जूस आप जूस फोर दे सो देखो ये राइट आंसर आर कौन हम सो राइट आंसर आम देखिए ऑप्शन नंबर आप जोटा बी अच्छी बासीडोमाइट्स आपर बासीडियम हो राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन टू 62 नंबर 62 आप द्वारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमस ह्यूमस कथा देखा आ भितर क्यों स्टेटमेंटा इनकरेक्ट ह्यूमस सो आपको देखिए हाइली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन ना आपर कोलोइडल इन नेचर ना आपर रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट ना अंडरगो डिकम्पोजिशन एट वेरी फास्ट रेट सो राइट आंसर कौन हम सो आम ह्यूमस कथा देखा आ भितर क्यों स्टेटमेंटा इनकरेक्ट करेक्ट पचारे इनकरेक्ट सो देखो राइट आंसर हो डी ऑप्शन अंडरगो डिकम्पोजिशन एट वेरी फास्ट रेट सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ हूँ इनकरेक्ट देन 63 क्वेश्चन मामल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस दैट दिस इज कॉल्ड सो आपको कहला यहाँ गोटे मैंने रूलटा को आम कौन कह जोटा कि कहला कौन ना मामल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जो मामल मैंने कोल्ड क्लाइमेट रु आसबे जनरली से माने कौन ना शॉर्टर मैंने आप छोट ईयर आउ लिम्ब टू मिनिमाइज देयर हीट लॉस देयर मैंने आपको पचार दिस रूल को आम कौन कह आपको हेड्ज रूल कह ना आपको ट्रांसलेट रूल कह ना फोरियर रूल कह ना आप आलेन्स रूल कह सो क्यों रूल कह इम्पोर्टेंट अच्छी सो आम कहता कौन ना कि रूल कह ना आलेन रूल कह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वन ऑफ द आर्स एसोसिएटेड विथ स्लोगन यूज्ड इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सो आप जो फोर आर रहा कौन रहा फोर आर रहा सो आ भितर से जो आर क्योंटी रिप्रेजेंट करनी मैंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को आम देखा सो आ भितर आर मैंने क्योंटी गोटे से जो आर र मीनिंग नुह आपची रिफ्यूज रिसाइकल आ रिफर्म दे रिड्यूस दे सो क्यों गोटे आपर आर मीनिंग नुह आपको देखिए सो देखो राइट आंसर आपर रिफर्म हो राइट आंसर सो आप रिफ्यूज देटा बोधे मुझे भाई यहाँ टे मिस्टेक अच्छे रियूज हवा कदा रियूज सो कि राइट आंसर हो रिफर्म आमर ना रिफर्म ना सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसन्तु नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला मैनग्रोव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो आपको देला मैनग्रोव आप जो मैनग्रोव गुड़ा रहा आम कैरेक्टराइज केमी कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो आ भितर कैरेक्टराइज करूँ आ भितर क्यों ऑप्शन को नहीं आम कैरेक्टराइज करूँ ऑप्शन टाइम राइट आंसर आपको देखिए फ्रिंगिंग रिप्स एंड ब्राइट फ्लावरिंग प्लांट को नहीं मैनग्रोव को आम सेपरेट करूँ कैरेक्टर आम क्लासीफाए करूँ ना आपको देखिए निम्न फोर्स आपन देला कौन ना निम्न माटो फोर्स आपन देछि भिविपारी ना आपन नेक्स्ट देछि कारपेट ऑफ शॉर्ट ग्लास एंड ब्राइट फ्लावरिंग प्लांट्स देन आपन देछि फ्रिंजिंग रिप्स एंड बैरियर रिप्स सो केमिति आमे मैनग्रोव को सेपरेट करछु बा क्लासिफाई करछु मन रखिबे इंपोर्टेंट अछि सो मैनग्रोव को आमे सेपरेट करछु कौन ना आपन निम्न माटो फोर्स आउ भिविपारी सो राइट आंसर हो बी ऑप्शन देन नेक्स्ट नेक्स्ट आपन देला 66 नंबर व्हिच लेयर ऑफ यूटेरस व्हिच लेयर ऑफ यूटेरस वॉल इज इनवॉल्व्ड इन द कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी सो आपन कहला व्हिच लेयर ऑफ यूटेरस इज इनवॉल्व्ड इन द कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी सो क्यों लेयरटा कंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी सो आपची पेरीमेट्रियम देन देखिए बायोमेट्रियम देन एंडोमेट्रियम देन आपची सेरोसा सो आपटा कौन होता है ना कंट्रैक्शन मैंने कंट्रैक्शन होता है जितने डिलीवरी ऑफ बेबी होता है देन आप राइट आंसर देखते हो सो आपर मायोमेट्रियमटा कंट्रैक्शन अंतर्भुक्त होता है सो मायोमेट्रियमटा कंट्रैक्शन होता है सो राइट आंसर हो मायोमेट्रियम देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट आपन देला क्वेश्चन नंबर 67 डॉक्टर आपन देछि देखंतु डॉक्टर आमको कौन करिया कहि ना आपन केउ स्टेटमेंटटा ट्रू बचारछि कौन देछि देखंतु सो आपन देछि डॉक्टर एंड डॉक्टर एम्फिसन इज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रिया ही डिजाइंड टू एक्सपेरिमेंट टू चेक फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल इन कंट्रोल सेटअप ही रिमूव्ड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम सेल व्हाइल इन एक्सपेरिमेंट सेटअप ही डिड नॉट डू एनीथिंग टू द सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर हिज कंट्रोल सेटअप रिजल्ट सो आप जो एम्फिसन जो एक्सपेरिमेंट कले माइटोकॉन्ड्रिया पर सी कौन कले डिजाइन कले दुटा एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू एक्सपेरिमेंट ए चेक द फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल माने माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन गोटे सेल कौन रोचे ताकू चेक करने कले से कौन कले इन कंट्रोल सेटअप ही रिमूव्ड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम सेल सेल रु माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव करदे व्हाइल इन एक्सपेरिमेंट सेटअप ही डिड नॉट डू एनीथिंग इन द सेल से जो आप माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कले कि सेल सांगे किसी रिमूव कले मैंने सेल सांगे किसी आप
चेंजेस करे ना। सो पचारे ह्विच अफ दि फलोइंग स्टेटमेंट ट्रु क्योंकि ट्रु स्टेटमेंट रहा फर हिज कंट्रोल सेटअप रिजल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए देला ऑक्सीडेटिव फॉस्फो आपण देला फॉस्फोरिलेशन विल अकर बट एटीपी सिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। तो देन आपन को देछि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन विल नॉट अकर बट एटीपी सिंथेसिस विल टेक प्लेस। बोथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड एटीपी सिंथेसिस विल टेक प्लेस। देन आपन देला बोथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड एटीपी सिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। सो राइट आंसर देखंतु हबो आरो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन विल अकर बट एटीपी सिंथेसिस नॉट टेक प्लेस। ऑप्शन ए हिज राइट आंसर। देन आपन 68 नंबर मैच करियो देछि लिस्ट ए लिस्ट आई संगे 2 आई के हम मैच करियो देछि। सो देखंतु राइट आंसर हिज हम जे देखबा आपनकर राइट आंसर कोन हिज ना आपनकर देखंतु जो फ्रेम सेल प्लेटफॉर्म देछि तार हिज आपनकर कोन ना ऑप्शन देखंतु आर हिज ए ऑप्शन ए रो आई बी रो थर्ड आई त माने हम देखबा जदी ए जो फ्रेम सेल प्लेटफॉर्म देछि तार हिज एक्सक्रीशन आउ ऑस्मो रेगुलेशन। देन आपनर बी रह जीव बी रह जीव आपनर हेल्प इन कैप्चरिंग फूड माने ट्यूब फीट अप एंड आपन दे जी एनकिड्रोम। सो राइट आंसर हे जीव आ देखो तो ऑप्शन नंबर ए हे जीव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दो नेक्स्ट आपन देला क्वेश्चन नंबर 69 द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन दैट कॉजेस लेथल इफेक्ट ऑन ह्यूमन सेल व्हेन एक्सपोज इन द रेंज ऑफ। सो आपन कहला क्यों रेंज माने वेवलेंथ था द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन दैट कॉजेस जितने आमर लेथल इफेक्ट कज करे माने क्यों रेंजर यूवी लाइटा आपर जितने कौन होता है ना ह्यूमन सेल एक्सपोज होता है से रेंज को माने यूवी रे रेंज को जितने ह्यूमन सेलटा एक्सपोज होता है लेथल इफेक्ट से माने कज करता है 100 280 300 आप 80 नानोमीटर 400 480 500 580। सो राइट आंसर कौन हम देखो क्यों आप रेंजटा हम मन रखिए 100 280 रेंज 100 280 नानोमीटर। सो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर आम नेक्स्ट को आसवा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप 70 व्हाट आर द टू की क्राइटेरिया टू डिटरमाइन ए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो आप देला दुटा टू माने आप कौन करा आप व्हाट आर द टू की क्राइटेरिया टू डिटरमाइन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को आम डिटरमाइन करने दुटा टू की क्राइटेरिया आमको पचार। सो ऑप्शन ए देला डिग्री ऑफ ट्रीट एंड नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसीज ना आप दे डिग्री ऑफ ट्रीट एंड नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेसीज देन दे नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेसीज एंड नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसीज देन दे नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट आउ एक्सटेंट एंड एक्सटेंट स्पेसीज। सो देखो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट चिन्हा गले आमको कौन देखा पड़ो ना डिग्री ऑफ ट्रेंड आउ आप नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसीज। सो ऑप्शन ए हिज बार करेक्ट आंसर। तो बायोलॉजिकल साइंस किसी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थी जदि आपको वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भूलेंगे। सो थैंक यू।